हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं क्यूबेक के एक नेशनल पार्क में जिसका नाम है माउंट ऑर्फोर्ड। बहुत ठंडा है बाहर, लगभग -15 टेम्परेचर है, बट इट्स अ लवली सनी डे टुडे। सो वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग समथिंग आउटसाइड। तो देखते हैं वहाँ पर जाके क्या क्या ऑप्शन है, हम लोग क्या कर सकते हैं। बेसिकली वी आर नॉट वेरी आउटडोर पर्सन, हमने बहुत सारे विंटर एक्टिविटीज़ तो नहीं करी हैं, बट लेट्स सी and see how our experience goes. Let's go. Canada की एक बात तो अच्छी है कि जब आप कहीं जा रहे होते हो तो आपका destination से ज़्यादा, destination तो सुंदर होता ही होता है, but जो view होता है, जो travel होता है, वो बहुत pretty होता है। ये जो area है it is towards the eastern side of Montreal एंड इट इज़ कॉल्ड ईस्टर्न टाउनशिप, जहाँ की ड्राइव बहुत सुंदर है। अगर हम स्प्रिंग सीजन में आते हैं तो भी यहाँ की बहुत ही खूबसूरत ड्राइव होती है, और अभी स्नो हुआ हुआ है तो देखिए कितनी सुंदर ड्राइव है। इट्स वेरी 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 प्रेटी एंड आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आप मॉन्ट्रियल आते हैं, अगर आप कैनेडा में हैं, अगर आप क्यूबेक आते हैं, तो एक बार क्यूबेक में ईस्टर्न टाउनशिप का एरिया ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। इट्स रियली रियली वेरी प्रेटी। यहाँ छोटे छोटे टाउन्स हैं और जिनकी ब्यूटी ही अलग है। लेट्स गो। Hello everyone, here we are at Mount Orford National Park. It's a beautiful weather, बहुत ही सुंदर weather है, और अभी हम लोग आके यहाँ पर देखते हैं क्या activity करेंगे। यहाँ पर entrance fees हमने pay करी है 2 लोगों की around $20, जिसमें parking included है। अभी हम लोग parking area में हैं, हम visitor center जा रहे हैं और ये देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या equipments available हैं and what we can do it. It's a beautiful weather and it's a beautiful place. After exploring what all activities are there, so we finalized to try skiing. क्रॉस कंट्री स्कीइंग ये हमारा फर्स्ट टाइम था, तो अभी आदित्य यहाँ पर शूज़ ले रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो फ्री थी अंडर 17 एज ग्रुप, तो हमने आदित्य के लिए और आदित्य के लिए कुछ पे नहीं करा, बट हाँ राजेश ने अपने लिए इक्विपमेंट लिए थे जिसमें शूज़ और स्कीइंग गियर इंक्लूडेड था एंड विच कॉस्ट अराउंड $35। ओके गुड जॉब आदित्य है। थोड़ा धीरे है ना। पापा चलो चलो गुड जॉब। देखो भैया भी आ रहा है। राजेश कैसा लग रहा है? ये लो पकड़ो, होल्ड योर स्टिक्स। आपस में मत उलझो। आपस में मत उलझना। Thank you.
और यहाँ पर वो पार्ट आया जो कि नहीं करना था। बेसिकली हमको बोला गया था कि इस एरिया से नहीं आना है अगर आप बिगिनर्स हैं, बट राजेश ने और आदित्य ने बात नहीं मानी और आप देख सकते हो कि राजेश एक गलत एरिया से आ रहे हैं जो कि बिगिनर्स के लिए नहीं था और ये लोग गिर गए। ऑनेस्टली वैसे क्रॉस कंट्री स्कीइंग जितना इजी लगता है देखने में उतना इजी होता नहीं है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कीजिए, बट मैं ये कहूँगी कि अगर वो आपको बता रहे हैं किस एरिया से आना है तो उस एरिया से ही आना। ओहो ये गिर गई आद्या और ये गिरी पड़ी आद्या। After having all the fun, it's time to go back home. Luckily, nobody was hurt. मस्ती करी, experience अच्छा था, ऐसा नहीं लगा कि हाँ गिरे but चोट नहीं लगी, it was fun. So let's go back home. चलो आधे भाई बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय। पीछे देखना अपने। चलो चलो चलो। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जो कि माउंट ऑर्फोर्ड का स्की रिजॉर्ट था। ये एक नेशनल पार्क नहीं था, ये प्राइवेट था जहाँ पे स्कीइंग लेसन्स ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर उन्होंने चेयर लिफ्ट लगा रखी है जो कि जो लोग स्की करते हैं उनको टॉप ऑफ द हिल लेके जाती है और सो दैट दे कैन डू द स्कीइंग और वो लोग नीचे आते हैं स्कीइंग करके। बट इट वॉज़ सो ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर लग रहा था। वी कांट रेसिस्ट टू स्टॉप। हमने वहाँ रुक के थोड़ी बहुत वीडियोज़ ली और फिर हम वापस अपने घर को चल दिए।